बीजेपी में सिद्धू को सिर्फ स्टार चेहरा बनाकर रख दिया गया था, वहीं कांग्रेस में ओपनिंग करते ही सिद्धू ने चौके छक्कों की बरसात कर दी है। सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का विश्वास हासिल है और चुनाव के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में राहुल और सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं की मांग रहती है। प्रचार के लिए सिद्धू की डिमांड कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिवों और कांग्रेस शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा है। इनमें कैप्टन अमरिंदर का नाम भी शामिल है, जिनका पंजाब से बाहर प्रभाव बहुत कम है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पटियाला के इस दिलकश बल्लेबाज का अच्छा समय चल रहा है और उम्मीद है कि 2022 के आसपास या उससे पहले ही उन्हें पंजाब में बड़ी भूमिका मिल सकती है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, भले ही कभी पार्टी अनुशासन, शालीनता और राजनीतिक मर्यादाओं की महीन लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सिद्धू ने किया हो, लेकिन सिद्धू शब्दों से खेलना बखूबी जानते हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने के घटनाक्रम से पहले अमरिंदर जहां उदासीन नजर आए, वहीं सिद्धू काफी सक्रिय रहे। सिद्धू में राहुल और कांग्रेस को एक ऐसा नेता मिला जो अकालियों और अमरिंदर दोनों से बढ़कर साबित हुआ। सिखों के बीच सिद्धू करतार के असली हीरो बने। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू ने जोशीला अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिलाई। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।